12,000 गांवों में कांग्रेस का वोट बैंक से होगी जीत। बता दें कि इस पर कांग्रेस एकजुट होकर सारे गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां बना रही है। बता दें कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि आगामी संसदीय चुनाव में पार्टी की राज्य 17 लोकसभा सीटें में से अधिकतर सीटें जीतने के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करेगी। लेकिन उससे पहले कि यहां पर देखा जा रहा है तो कांग्रेस कह रही है कि अपना अपना रणनीति है और इस बार हम कतई नहीं पीछे हटेंगे। उसको लेकर हर एक कांग्रेसी अपना दबदबा बनाकर चल रहा है। उसको लेकर कांग्रेस अपना पूरी टीम को लेकर के बीजेपी को पछाड़ने के लिए चली है। बताया जा रहा है कि 12 गांवों में अपना वो पकड़ मजबूत कर चुकी है और 12 गांवों में अपना जीत का पूरी तरीके से पंचम लहराने वाली है और पंचम लहराकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत करेगी। बता दें कि उसको लेकर सारे के सारे बीजेपी बौखलाए हुए हैं और इसको लेकर तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बता दें कि दावा किया गया है कि अयोध्या में जिस तरीके से यह प्रतिमा लगाया गया था उसको लेकर के जितना भी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर ले, लेकिन कांग्रेस हार मानने वाली नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से जोशों और होशो हवाज में लड़ेगी और उसको 2024 में हरा कर दिखाएगी। आपको इस पे क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।